इस दिलचस्प बातचीत और बीच बीच में संगीत के सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुझे ये भी बताइए दीदी कि जैसे भी पिछला प्रश्न मैंने आपकी इस गायकी से पहले पूछा था, वैसे ही अब एक प्रश्न उसी तरह का और भी है मेरे पास कि आपके पास एक तरीके से खजाना है आपके पिताजी का, कुमार जी का, गायकी के संदर्भ में, उनकी बंदिशों के संदर्भ में, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर, एक स्वतंत्र कलाकार के तौर पर कभी उससे बाहर निकलने की, कुछ नया करने की सोचती हैं? आपको लगता है उसकी जरूरत है या लगता है कि नहीं जरूरत ही नहीं है? आप कैसे देखती हैं इस चीज को? नहीं, जरूरत क्यों नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। यदि रोज सूरज उग रहा है तो क्यों जरूरत नहीं है? उसको भी रोज उगने की कोई जरूरत नहीं है। हर हर दिन नया होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल हर दिन नया होने की जरूरत है। तो इसलिए नया होने की जरूरत को समझना पहली जरूरत है कि क्या क्या नया करना है और क्यों करना है। क्या मैं, जहां तक मेरी बात मैं करूं, मैं इस तरह से देखती हूं कि भाई मैंने अब तक क्या आत्मसात किया है, मैं कितना आत्मसात कर चुकी हूं। जो मैंने अब तक सीखा है, जो मुझे सिखाया गया है, मैं उसमें से कितने प्रतिशत आत्मसात करने की अभी तक मेरी तैयारी हो गई है। ये मेरे ख्याल से ये हर कलाकार अपने आप को कहीं ना कहीं पूछता है, भले ही कोई सबके सामने ना बात करता हो, लेकिन वो निश्चित रूप से अपने आप से सवाल करता ही करता है कि भाई मैंने अब तक क्या हासिल किया है, जो मैंने अब तक सीखा है उसमें। और मेरे ख्याल से ये मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा कि कुमार जी की के पास राग और बंदिशों का खजाना रहा है, लेकिन खजाना खजाना तभी खजाना रहता है जब हम उसमें और डाले, इजाफा करते चले जाएं, बहुत अच्छी बात। तो वरना एक दिन वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इजाफा करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उस इजाफा करने के पीछे मैं केवल कुछ नया करना, इसलिए नया करना ये मैं उचित नहीं मानती। वरना वो आज की तारीख जैसा कुछ भी पुल जलूल हाथ पांव तोड़कर नया करने में मुझे बिल्कुल भी रस नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे, हालांकि एक भजन का उदाहरण है, लेकिन फिर भी बताती हूँ। अभी अभी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों को निर्भय निर्गुण गाते हुए सुना। कुमार जी का बहुत प्रसिद्ध भजन है कबीर का, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा। जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, उन सब कलाकारों से मैं माफी लेके आपसे बात कर रही हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन जो एक उत्तम कलाकृति हो गई है उसको आप बिगाड़िए मत। नया करने के पीछे आप कुछ नया करना चाहते हैं तो बामिया का, बुद्ध का पुतला आपको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ नया करना चाहते हैं तो नया खड़ा कीजिए। आप में यदि ताकत है नया करने की, आप में यदि जज्बा है, तो आप नया खड़ा कीजिए। आप उसको क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? उसमें कोई आपकी आपकी कोई उसमें होशियारी नजर नहीं आती। आप उसको एक तरह से आप उसको विकृत कर रहे हैं। मेरी दृष्टि से हो सकता है आपको वो ऐसा लग रहा हो कि आपने उसमें बहुत चार चांद लगा दिए। निश्चित रूप से आपको चार चांद लगाने हैं तो आप स्वयं कंपोज कीजिए अपना कुछ और फिर चार चांद लगाइए। बेशक हम इंतजार करेंगे आपको सुनने का, लेकिन जो एक कलाकृति उत्तम बन चुकी है, जो सर्वमान्य है, उसको आप छेड़िए मत। उसको आप आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस दृष्टिकोण से उस कलाकार ने उसको हमारे सामने पेश किया है। ये मेरा कहना है। तो इसलिए मैं निश्चित रूप से नया रचने के बिल्कुल पक्ष में हूं और कोशिश भी करती हूँ, कुछ कुछ चीजें की भी है मैंने, लेकिन वो केवल इसलिए नहीं कि मुझे कुमार जी ने चूंकि नया कर दिया तो अब मुझे कुछ नया करना है, इस तरह से नहीं। अभ्यास के दौर में, फ्लो में, जब कोई कोई चीजें सूझती हैं तो व्यक्ति, मतलब कलाकार जो होता है, वो अपने आप फूल खिलने लग जाता है। आपने जिस भजन का जिक्र किया दीदी, मुझे याद है आज से
करीब 5 6 साल पहले मेरे एक मित्र के पिताजी, जो कि बिहार में नेता हैं थे, मतलब अब तो नहीं रहे वो, और प्रभाष जी, कुमार जी, सबको बहुत अच्छे से जानते थे, और उनके पुत्र का संगीत में उतना लगाव नहीं था, तो वो भी बीमार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि पिताजी को 2 भजन भेज दीजिए कहीं से। मैंने कहा कौन से 2 भजन? तो उसमें एक निर्भय निर्गुण था और एक उड़ जाएगा हंस अकेला। इन दोनों की उन्होंने मुझसे फरमाइश की। तो खैर, अब तो आधुनिक तकनीक इतनी आ गई है कि आप चाहें तो तुरंत उसको इंटरनेट से डाउनलोड करें और उसको व्हाट्सएप फाइल बना के व्हाट्सएप पे भेज दें। तो मैंने भेज दिया, तो वो उन दोनों, उन इस तरह के तो भजन की व्याप्ति ही अलग उस पे है, उसका कोई वही नहीं है। अच्छा दीदी, एक चीज़ और बताइए, जैसे मैंने कुमार जी के लिए कहा जाता था कि कबीर पर जितना अधिकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, उससे कम अधिकार कुमार जी का नहीं है, तो आप अपनी कला में, अपने गायकी में, जब साहित्य का चयन करती हैं, साहित्य कहाँ से लिया जाए, कुछ नया लिया जाए, तो आप किन बातों पर ज्यादा जोर देती हैं, किन बातों का ध्यान रखती हैं, आपके डूज और डोंट्स क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गेयता शब्दों में होना बहुत पहली शर्त होती है, क्योंकि कई बार छंदबद्ध कविता जो होती है उसमें स्वाभाविक रूप से छंद जो निहित होता है वो पढ़ते समय आपको गुनगुनाने लगता है आपके कानों में। बिल्कुल कई बार छंदबद्ध कविता में एक लय रहती जो मुक्त काव्य में नहीं रहती। वैसे तो मुक्त काव्य को कंपोज करना, स्वरबद्ध करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें पैरामीटर्स एक जैसे नहीं होते, क्योंकि छंद वहां पे मुक्त है। छंदबद्ध कविता आप सूरदास की ले लीजिए या पुराने भक्तकालीन कवियों की ले लीजिए, एक एक फिक्स पैरामीटर के अंतर्गत उनका रचना संसार आगे बढ़ता चला जाता है, विषय घोषित रहता है। जबकि मुक्त छंद में विषय बहुत फैला हुआ रहता है, तो उसको संगीतबद्ध करते समय उस मुक्त छंद को समेटना उतना आसान नहीं। पहली बात तो इसलिए कोशिश मेरी ये रहती है कि यदि छंदबद्ध कविता योग्य लगे कवि को पढ़ते पढ़ते, तो स्वाभाविक ही उसमें से कुछ का चुनाव किया है मैंने। और कुछ मराठी कवि हैं, जैसे बहिणा बाई एक हुई है मराठी कवियत्री, मतलब दो बहिणा बाई हुई थे, एक एक तो नामदेव के तुरंत बाद हुई थी और एक बाद में अभी अभी रिसेंटली पिछले कुछ 50 सालों में हुई थी, और एक नामदेव के समय मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो कुछ ऐसा एक कार्यक्रम का कुछ सिलसिला चल रहा था, किसी ने मुझसे कहा था कि कवियत्रियों को स्वरबद्ध करने के लिए उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी। तो उस समय मैंने बहिणा बाई का साहित्य पढ़ा, उस समय मैंने राजस्थान की कुछ अबूझ कवियत्रियों को जानने का मुझे सौभाग्य मिला। उनकी भी कुछ कुछ रचनाएं मुझे किताब के रूप में मिली थी, उनमें से भी कुछ चुनाव हुए जो मीराबाई के बाद हुई है लेकिन सामान्य रूप से नहीं जानी जाती। चंद्र सखी भी उनमें से एक है, समान बाई उनमें से एक है। तो इस तरह के कुछ लोग रहे हैं, बहिणा बाई रही हैं। कुछ काम करने का मौका मिला जो बहुत अच्छा लगा मुझे, कि कुछ नया मैं ढूंढ पाई कर पाई। तो छंदबद्ध और मुक्त छंद ये मूल मेरे दायरे में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। दीदी, एक पिछले जब से ये सीरीज शुरू की थी लॉकडाउन में बातचीत की, उसमें 99% मौक़ों पर इंटरव्यू की शुरुआत में मैं गुजारिश करता था कि कोई भजन सुनाइए, और उससे ही शुरू होते थे, लेकिन आप में पूरा मामला 360 डिग्री पलट चुका है। अब मैं आपसे आखिर में फरमाइश कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, और चूंकि भजन पर हमने इतनी विस्तार से बात भी की है, तो कोई एक भजन ज़रूर सुनाइए हमें। जरूर जरूर बिल्कुल। भजन आपको सगुण भजन सुनाओ या निर्गुण भजन सुनाओ? आप चाय पियेंगे या कॉफी? तो इस पे बहुत पुराना चुटकुला है कि आपके घर में 2 कप नहीं है क्या? चलिए ठीक
ठीक है, मैं जरूर सुनाती हूँ आपको, दोनों भजन सुनाती हूँ, एक सगुण सुनाऊंगी और एक निर्गुण सुनाऊंगी। कबीर का एक निर्गुणी भजन समापन के बतौर। दूजे बन चरना, तीजे बन पग नहीं धरना, हिरना हिरना, तीजे बन में पार दी उनके नजर नहीं पड़ना, हिरना हिरना समझ बूझ बन चरना, हिरना हिरना पाँच हिरना पच्चीस हिरनी, उनमें एक चतुर हिरना हिरना, कहे कबीराजी सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित धरना, हिरना हिरना समझ बूझ बन चरना, हिरना आ हिरना। सूरदास की भजन की कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ क्योंकि भजन काफी बड़ा है, एक बानगी के बतौर यहाँ गा रही हूँ। उधो आए आए उधो अखिया अति अनुरागी अनुरागी, उरो अखिया अति अनुरागी अनुरागी, एक टक मग जो बती एक टक मग जो बती, और रोवती भूले हूँ पलकन लागी न लागी, उधो अखिया अति अनुरागी अनुरागी, उधो अखिया अति अनुरागी अनुरागी, बिन पावस पावस ऋतु आई बिन पावस बिन पावस पावस ऋतु आई,
देखत है विद्वान अब धोखा कियो चाहत है छांडहु निरगुण ज्ञान निरगुण ज्ञान उधो अखिया अति अनुरागी अनुरागी। तो ये लालच का कभी कभी ज्यादा फायदा भी हो जाता है, तो आज मेरे लालची होने का फायदा आप श्रोताओं को भी मिल रहा है। दीदी आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे मैंने इतने साल क्रिकेट कवर किया तो हम अक्सर कहते हैं कि यार बड़े से बड़े बल्लेबाज, आप सुनील गावस्कर की बात कर लें, सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, मौजूदा समय में विराट कोहली की बात कर लें, बहुत क्लासी बल्लेबाज है लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। यानी बीच में एक पैच आता है जब वो जो कवर ड्राइव लगना चाहिए वो स्लिप में कैच हो जाता है। गायकी में भी क्या ऐसा होता है क्या कि आप बहुत साधक हैं, बहुत ही गजब की साधना है आपकी, लेकिन बीच में कोई एक ऐसा फेज आता है जब कोई एक स्वर ना लग रहा हो, जब कोई एक चीज आप चाहकर ना कर पा रहे हो, कोई ऐसी तान हो, कोई ऐसी सरगम हो, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अच्छा, बल्कि कई कई बार होता है, मेरे साथ तो रोज होता है। मैं ये इसलिए आपसे खुल के कह सकती हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा ये विद्यार्थी दशा बहुत सुंदर दशा है शिवन जी, अपने आप को मैं इससे बाहर नहीं निकालना चाहती और इसलिए ये मान्य करने पे भी मुझे कोई संकोच नहीं है। संकोच कैसा? ज्ञान के सामने, कुमार जी कहते थे बिल्कुल सही बात है, ज्ञान के सामने संकोच कैसा? यदि ज्ञान के सामने हम संकोच करने लग गए तो हमें कभी कुछ हासिल नहीं होगा। ज्ञान के सामने संकोच नहीं करना चाहिए। ज्ञान के सामने कुमार जी ने कहा है कि आपको रेंगते आना चाहिए, उसको छूते आना चाहिए, उससे लिपटते आना चाहिए, उससे नाराज होते आना चाहिए, वो ज्ञान है। आपको कुमार जी ने तो यहां तक कहा है कि उसको छोटे बच्चे जैसे चाटते हैं किसी चीज को, वैसे आपको चाटते आना चाहिए। ज्ञान है वो, शर्माना क्यों? ज्ञान पाने में शर्माना क्यों? वो अपनी स्थिति को मान्य करने में शर्माना क्यों? तो इसलिए मैं कहती हूं कि हर कार्यक्रम के समय और बल्कि रियाज करते समय, अपना स्वयं का अभ्यास करते समय, हर पल ये एहसास होता है कि मुझे ये नहीं करते आ रहा है और मुझे ये करते आना चाहिए। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये और ये एक हो। जब विचार यहां आए तो यहां से निकले, ये आइडियल है, ये आइडियल है। आइडियल बहुत कम होता है। यदि विचार आते हैं तो कई बार गले से नहीं निकलता, जो गले से निकलती है चीज प्रयास करने के उपरांत वो कई बार विचारों में ही नहीं आती, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन आइडियल वो है जब आपके दिमाग में कोई एक फ्रेम आए, कोई एक तान आए, कोई एक 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 स्वर लिपि आए और वो तुरंत आपके गले से हूबहू जैसा आपने सोचा वैसी निकले, वो सही दिन, वो सही दिन। और ये हर बार होता है, हर समय होता है, क्योंकि हम जो संगीत आपके सामने पेश करते हैं वो कोई रटंत वाला संगीत तो है नहीं, वो उसी समय इम्प्रोवाइज होता है। इसीलिए रियाज का यह महत्व है कि रियाज क्यों करना? रियाज इसलिए नहीं करना कि मुझे 10 आलाप याद करने हैं और 50 ताने याद करनी है, नहीं। रियाज इसलिए करना कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी विचार प्रक्रिया, आपकी चिंतन प्रक्रिया बरकरार रहे और आपका गला, मतलब आपका हथियार बिल्कुल पैना बना रहे कि जब विचार आए तो उस हथियार का आप उपयोग करके सामने वाले के सामने अपनी चीज रख सके। गला एक तरह से हथियार है हमारा, एक माध्यम है, हथियार मतलब उसको गलत अर्थ में ना लिया जाए। पर जो विचार, पहले तो विचार आना चाहिए। विचार कब आएंगे? जब हम उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, जब हम उसके ऊपर विचार करेंगे। विचार करते रहने की भी एक आदत अपने को बनानी पड़ती है और उसी के लिए रियाज करना होता है कि वही वही चीज हम जब करते हैं तो वो इतनी सहज हो जाए कि वो लगे ही ना कि हम उसके पीछे कुछ प्रयत्न कर रहे हैं।
प्रयत्न जरूर रहता है, लेकिन वो सहजता लाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसा है। तो दीदी मतलब कुमार जी को लेकर और आपको लेकर बातचीत करें तो मुझे लगता है, और इतने सारे किस्से अभी मेरे अपने जानने वाले छूटे जा रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी है कि उसको एक अवधि में भी समेटना है। कुछ अगर मुझसे छूट गया हो जो आप अलग से जिक्र करना चाहती हो, कोई किस्सा, कोई घटना, कोई विचार, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई चीज़ जो आपको लगता है कि इस इंटरव्यू में अगर उसका भी एक छौंका डाल दिया जाए तो ये कम से कम इस श्रृंखला को पूरा कर देगा, तो आप जरूर बताइए कोई चीज जो आप बताना चाहती हो। देखिए अभी फिलहाल तो एकदम कोई ताजी ताजी चीज तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम पिछले 1.5 वर्षों से लगभग स्तब्धता की हालत में हैं, और ऐसा एक दौर गुजरा है इन पिछले 1.5-2 वर्षों में कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी अपने जीवन में कभी कोई समय आएगा। बेवजह हम अपने मैं अपने आप को रिटायर महसूस कर रही हूँ 1.5 साल से, बेवजह, जबकि उम्र नहीं है, भागा दौड़ी की उम्र है और अभी बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन थोप दिया गया है यह समय हमारे ऊपर। और जिस तरह से गांधी जी कहा करते थे कि चुना हुआ एकांत एक अलग चीज होती है, एकांत का महत्व व्यक्ति तभी समझता है जब वो उसका खुद का चुना हुआ हो, तभी वो क्रिएटिव हो सकता है, वो एकांत तभी क्रिएटिव होता है जब हम उसे चुनते हैं। ये जो एकांत है ये हमारे पे थोपा गया एकांत है, हमने इसे चुना नहीं है, इसलिए कितनी क्रिएटिव घटनाएं इसमें हो रही होंगी मूल रूप से, इस बारे में मुझे शंका है। ऑनलाइन माध्यम में जाके कुछ बतियाना, गप्पे मारना, अपने आप को प्यारे श्रोताओं के बीच में बनाए रखना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संगीत के साथ में साझा होते रहना, ये क्रिएटिविटी इस तरह की नहीं बात कर रही हूं मैं, ये एक अलग माध्यम है। मैं सचमुच की क्रिएटिविटी की बात कर रही हूँ, तो उस क्रिएटिविटी के लिए हमें खुद से एकांत चाह के हम जो पाते हैं एकांत, उसकी जरूरत रहती है। तो इसलिए तो साधक अलग होते हैं जो हिमालय में जाके साधना करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने चुना हुआ एकांत होता है, और इसीलिए वो इतने आध्यात्मिक ऊंचाई पाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने खुद की चुनी हुई चीज रहती है, ये कोई चुना हुआ एकांत नहीं है। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, मैं दिमाग से निकल गया, यही बात कर रहे थे कि आखिर में कोई आपका विचार या कोई बात चीज जो इस इंटरव्यू को पूर्ण करती हो। मैं केवल ये बात सब श्रोताओं दर्शकों के साथ में साझा करना पसंद करूंगी कि पिछले कुछ वर्षों पहले मैंने 2 पुस्तकें कुमार जी के ऊपर संपादित की हैं। उन पुस्तकों का नाम है कालजयी कुमार गंधर्व, वो कुमार जी के सांगीतिक योगदान पर केंद्रित पुस्तकें हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो हिंदी भाषी श्रोता, अंग्रेजी भाषी श्रोता और मराठी भाषी श्रोता, क्योंकि वो 2 भागों में उपलब्ध पुस्तकें हैं, पहला भाग उसका मराठी भाषा में है और दूसरा भाग जो है वो हिंदी और अंग्रेजी संयुक्त रूप से है, और सबसे सुंदर बात यह है कि वो दोनों भाग एक दूसरे के अनुवाद नहीं है। मराठी जो भाग है उसका जो अंदर का मामला है वो बिल्कुल अलग है, आलेख अलग है, सारा सा मामला अलग है, और जब हिंदी और अंग्रेजी के आर्टिकल्स हैं वो पूरे अलग है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने, अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए लोगों ने, नर्तकों ने, नाटककारों ने, इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट लोगों ने, संगीतकारों ने, आर्किटेक्ट लोगों ने, इस तरह से अलग अलग विधाओं के लोगों ने अपने विचार कुमार जी के संगीत के बारे में उस पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि श्रोताओं में से भी कुछ लोग उस पुस्तक को जरूर देखें, पढ़ें, एक समग्र कलाकार का एहसास दिलाने के लिए मेरे ख्याल से वो पुस्तकें काफी ठीक बन गई हैं। कुमार गंधर्व संगीत अकादमी देवास में भी वो पुस्तकें उपलब्ध हैं, मेरी वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। बहुत 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 धन्यवाद दीदी, और उस किताब से जुड़ा बस इतना ही आपको जानकारी दे सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ कि एक प्रतिष्ठित मैगजीन के लिए, जो इस देश की एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, इंडिया टुडे के लिए, नाम लेने में भी क्या हर्ज है, उसके लिए उस पुस्तक की समीक्षा मैंने ही लिखी थी।
तो मुझे वो पुस्तक याद है। हालांकि पुस्तकों के साथ जो सबसे खराब बात होती है कि फिर उसके बाद ये हुआ कि समीक्षा लिखने के बाद एक परम मित्र है मेरे, वो भी कुमार जी के बहुत ही प्रशंसक सुनने वाले प्रेमी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा यार वो किताब दे दो, पढ़ के मैं लौटा दूंगा। और आज जब आपने उस किताब का जिक्र किया है तो मुझे याद आ रहा है कि इस घटना को दुख को कम से कम 2-3 साल हो गए हैं और वो किताब वापस नहीं आई है। तो अभी मैं इंटरव्यू खत्म करने के बाद सबसे पहले उन्हीं को फोन करने जा रहा हूँ कि किताब वापस कर दीजिए। बहुत 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 धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। चलिए, इस बहाने से बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और श्रोताओं से जुड़ के। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।